So good evening everyone and welcome to the second trial class for PM March 2022 exam. कल हमने CVP analysis चालू किया था जिसमें हमने single product के केस में break even analysis समझा था tha. That means we had seen की जब एक company सिर्फ एक ही product बनाती है तो कैसे उसका contribution upon sales ratio निकलता है कैसे break even निकाला जा सकता है कैसे margin of safety आती है but आज की क्लास में कुछ थोड़ा सा इसको आगे चल के देखेंगे यानी हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे कि जहां पे कंपनीज एक प्रोडक्ट से ज्यादा ऑफर करती हैं, तब क्या होगा दूसरा ब्रेक इवन चार्ट्स भी समझेंगे Although, अब आपका एग्जाम पेपर पे नहीं होगा इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप ब्रेक इवन चार्ट्स बनाएं, लेकिन ब्रेक इवन चार्ट जो क्वेश्चन में बना बनाया दिया जाएगा वो इंटरप्रेट करना जरूर आता है सो दैट वी विल कवर अप कि आप उसको समझें आपको उसकी एक एक मार्किंग समझ में आए भले ही बनाना ना हो समझ में जरूर आना चाहिए सो दैट वी विल स्टार्ट कवरिंग अप आई एम ओपनिंग अप दीपी पीपीटी जस्ट कंफर्म आपको अगर वो देख रही है तो चैप्टर फाइव की पीपीटी yes, ठीक है चलिए हमने कल यहां तक कर लिया था वी डिड सम आगे बढ़ेंगे ब्रेक इवन चार्ट की तरफ सो थोड़ा सा विद एवरी बैच आई चेंज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग मैं यूजुअली स्टडी टेक्स से पढ़ाती थी पहले पीएम इस बार थोड़ा सा मैंने उसमें चेंज किया है वेयर एवर एसेंशियल आई हैव क्लब एवरीथिंग इनटू पीपीटीज ये वेर एवर एसेंशियल मैंने क्यों बोला क्योंकि कई चैप्टर्स होंगे जिसमें पीपीटी बनाने लायक सिचुएशन भी नहीं होगी जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग उसमें पीपीटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है उसमें कुछ भी लर्न करने का नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं टॉपिक वाइज डालू और आपको रिविजिट करना पड़े दैट इज अ लॉजिकल बेस्ड चैप्टर लेकिन जहां पे लगेगा कि यहां पे रिविजन की जरूरत पड़ेगी कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाने की जरूरत पड़ेगी जैसे इस चैप्टर में आपको फॉर्मुलाज रिविजिट करने पड़ेंगे ये ब्रेक इवन चार्ट ये देखना पड़ेगा इसके लिए आई हैव क्लब्ड पीपीटीज इवन फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शन सो इस चेंज स्टाइल को लेके चलते हैं आई डोंट नीड द बुक एट प्रेजेंट लेकिन हाँ इसके बाद में एग्जाम जरूर आपको कराऊंगी आपको लग जाएगा कि हाँ हमारे वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड ब्रेक इवन चार्ट आई री एम्फोसाइज ब्रेक इवन क्या होता है वो वाला लेवल ऑफ सेल जिसपे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होती है यानी दोज नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल इनकर लॉसेस नॉर विल अर्न प्रॉफिट्स क्या इसको चार्ट में दिखा सकते हैं बिल्कुल दिखा सकते हैं तो दिखाते हैं क्लास ट्वेल्थ का थोड़ा सा रिविजन करते हैं क्लास ट्वेल्थ में आप कुछ इस तरह के ग्राफ्स बनाया करते थे ओरिजिन हुआ करता था एक्स एक्सिस हुआ करती थी और वाई एक्सिस हुआ करती थी यहां पे हम x एक्सिस और y एक्सिस का क्या डिनोमिनेशन करेंगे वो देख लेते हैं यूजुअली जो x एक्सिस होती है इस पे नंबर होता है या फिर साल होते हैं यानी जहां पे भी नंबर्स आएंगे दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस ये जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको x एक्सिस बोलते हैं x एक्सिस पे हमेशा नंबर दिखेगा आपको और y एक्सिस पे दूसरा वेरिएबल दिखेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम ब्रेक इवन की बात कर रहे थे कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे कंपनी नो नो प्रॉफिट लॉस सिचुएशन में आएगी इसका मतलब एक नंबर ऑफ यूनिट चाहिए दूसरा प्रॉफिट या लॉस चाहिए वो हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऑपोजिट वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है सो एक्स एक्सिस को सपोर्ट करेगी ये वाली लाइन अब एक एक करके ये जो लाइंस बनेंगी, ये आपका ट्वेल्थ का रिविजन कराएंगी ये इस तरह की लाइन कौन सी लाइन हुआ करती थी सेल्स की लाइन सेल्स रेवेन्यू की लाइन ये कैसे पता चलेगा आपको कि सेल्स लाइन है ऐसे पता चलेगा इफ जीरो यूनिट्स आर सोल्ड अमाउंट इज जीरो इफ मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड मोर अमाउंट विल बी रिसीव्ड सो ये बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है याद आया कुछ अपवर्ड स्लोपिंग ये होता है सेल्स रेवेन्यू इसके अलावा और क्या होता है एक लाइन होती है बिल्कुल ऐसी यानी कि कुछ भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो इसका अमाउंट सेम रहता है नंबर ऑफ यूनिट्स चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो अमाउंट इसका हमेशा यही रहेगा ये कौन सी लाइन हुई फिक्स कॉस्ट लाइन विच रिमेन्स फिक्स्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट सोल्ड आप कितने भी यूनिट बेचिए रहेगी दिस इज फिक्स ट्वेल्थ में फिक्स के नाम से जानते थे अब एक, एक और आती है. ये कौन सी लाइन है वेरिएबल कॉस्ट लाइन ये ओरिजिन से चालू होती है याद रखना क्यों क्योंकि अगर जीरो यूनिट बनाएंगे तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेंगे थोड़ी सी ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी और ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी लेकिन आइडियली ये सेल्स रेवेन्यू के कर्व से नीचे ही रहेगी यानी सेल्स ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट कम है इन दोनों का डिफरेंस यानी मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को मैं कर्सर हिला रही हूं कैन यू सी दी एरो स्क्रीन ठीक है ये जो दोनों का गैप है ये क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये पैटर्न होता है एक बिजनेस का वो तभी प्रोडक्शन करेगा जब सेल्स वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो बेवकूफी होगा जो वेरिएबल कॉस्ट से कम सेलिंग प्राइस में भी सेल करेगा हाँ स्ट्रेटेजी होती हैं कई बार कंपटीशन को इरेडिकेट करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है मे बी द बिजनेस वांट्स टू प्रोड्यूस इवन एट लॉस सो दैट द कॉम्पिटेटर इज वॉश्ड आउट वो हो सकता है एक और कर्व होता है ये वाला कर्व जो बिल्कुल पैरल चलता है वेरिएबल कॉस्ट के लेकिन स्टार्ट होता है फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से ये कौन सा कर्व होता है कैन एनी वन टेल मी टोटल 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 कॉस्ट कर्व ये क्यों चालू होता है फिक्स कॉस्ट से बिकॉज इवन एट जीरो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फिक्स कॉस्ट तो इनकर करेगा ही करेगा एक बार इसको थोड़ा सा नंबर्स के साथ लिख के समझाती हूं आपको हम्म hmm. मैंने स्क्रीन पे व्हाइट पेन से कुछ लिखा है विजिबल है यस मैम ठीक देखो अब ध्यान से देखना जब जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होती है और सेल्स रेवेन्यू भी जीरो ही होता है जब कुछ प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वो बिकेगा नहीं बिकेगा नहीं तो कोई सेल्स रेवेन्यू आएगा नहीं लेकिन फिक्स कॉस्ट ये तो जीरो यूनिट्स पे भी लगेगी यानी इवन व्हेन यू आर सेलिंग और प्रोड्यूसिंग जीरो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट वहां पे भी इनकर करनी है टोटल कॉस्ट होती है Variable cost or fixed cost ka total. When you are not producing anything, variable cost will be zero, but you will be incurring some fixed cost. That means at that point of time, at zero units of production or zero units sold, total cost is equal to fixed cost. At zero units, this total cost will be equal to fixed cost. इसलिए ये शुरू होता है फिक्स्ड कॉस्ट वाले पॉइंट से अब आगे क्या होगा जब हम एक यूनिट बनाएंगे तो टोटल तो कॉस्ट में एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ेगी और फिक्स कॉस्ट तो जुड़ेगी जुड़ेगी यानी ये फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ऐसी ही चलती रहेगी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी फिक्स कॉस्ट ऐसी के ऐसी ही रहेगी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी यानी टोटल कॉस्ट कर्व और वेरिएबल कॉस्ट कर्व एक ही लाइन में चलेंगे और इनके लाइन का बीच का गैप वो क्या होगा यानी कि ये गैप क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट ये यहां से चालू होगा व्हाट इज दिस अमाउंट दिस अमाउंट इज फिक्स कॉस्ट यानी इन दोनों का गैप इज फिक्स कॉस्ट आपको ये कर्व समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन क्या करेगा इसमें से कोई भी चीज उठा के पूछेगा अब बात करते हैं हम ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन का आ रहा है ये क्या है ये इसका मेन पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जब बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होता है यानी वो जितनी भी सेल्स रेवेन्यू लेके आ रहा है उतने में उसकी टोटल कॉस्ट ही रिकवर रही है जितनी कॉस्ट इनकर करी उतना ही रेवेन्यू हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ दैट मीन्स वेर एवर दीज टू विल इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज टर्म एज ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है क्या यहां तक ये चार्ट समझ आता है सबको यस मैम ठीक है चलो अच्छा अब ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही आएगा यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ब्रेक इवन क्वांटिटी एज वेल एज ब्रेक इवन प्राइस यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी बेचेंगे हम और किस प्राइस पे बेचेंगे हम तब जाके ये सेल्स रेवेन्यू पिक्चर में आएगा सीधा-सीधा इसको नीचे लेके आओ यहां पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे थे यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रेक इवन ये ये वाला पॉइंट आएगा यहां पे अमाउंट की बात कर रहे थे यानी नंबर अब डॉलर्स में आएगा किस चीज का नंबर ब्रेक इवन कितनी यूनिट्स करनी है वो क्या प्राइस पे बेचेंगे वो अमाउंट आएगा वाई एक्सिस से ठीक है सो जस्ट रिमेंबर दिस यहां पे प्राइस है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और ब्रेक इवन पॉइंट आते ही यू विल गेट दी सोल्यूशन टू बोथ अब एक और चीज इसमें रह जाती है ये ब्रेक इवन क्वांटिटी जो आई यहां से लेकर सपोज अब मेरा प्रोडक्शन प्रोडक्शन असल में या सेल तक हो रही है यानी आई एम एक्चुअली सेलिंग दीज मेनी यूनिट्स वॉट डू यू से अबाउट दिस रेंज ब्रेक इवन क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी के गैप को क्या बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे ये कौन सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो वाला मार्जिन जिसपे बिजनेस नुकसान में नहीं आएगा दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां दिखता है कंट्रीब्यूशन कहां आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन तो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर डिनोट करने की कोशिश करूं दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है इसीलिए बढ़ रहा है और यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा बट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इट विल की टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू इंक्रीज गॉट इट कुछ ये चार्ट क्लियर हुआ एक बार फटाफट -फड़ से इसका रिकार्प देती हूं पहली चीज

बराबर हो जाए यानी कि यह वो सिचुएशन है जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा दैट सेल्स रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट तो मुझे टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है लेकिन टोटल कॉस्ट के तो दो टुकड़े होते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो चलो पहले वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी ड्रॉ करते हैं उससे पहले सेल्स रेवेन्यू बनाते हैं यह कर्व होता है सेल्स रेवेन्यू का कर्व जीरो यूनिट्स बिकेंगी तो रेवेन्यू जीरो ज्यादा यूनिट्स बिकेंगी तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा तो ये सिंपल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाता है दिस कर्व इज टर्म्ड एज सेल्स रेवेन्यू कर्व नेक्स्ट प्लॉटिंग करते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन लगती है ये फिक्स कॉस्ट होती है ये क्यों स्ट्रेट होती है वट एवर बी नंबर ऑफ यूनिट्स दिस कॉस्ट रिमेन सेम यानी कि आप यूनिट्स चाहे इतनी बनाए चाहे इतनी बनाए ये कॉस्ट कॉस्ट है इधर ये तो इतनी रहने वाली है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट लेकिन एक कॉस्ट ऐसी है जो फिक्स नहीं रहती है उसका क्या होगा ये कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट ये कैसे चलती है इसका कर्व कैसे बनता है जब जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर ही नहीं होती है जब हम यूनिट्स ज्यादा बनाने लगते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम इनकर करने लगते हैं जब हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है यानी व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस नॉट पर यूनिट टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस कॉस्ट कर्व भी बन गया अब आता है टोटल कॉस्ट कर्व टोटल कॉस्ट कर्व की शुरुआत होती है फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से क्यों बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन जीरो यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो गई लेकिन फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो है जैसे फैक्ट्री रेंट सुपरवाइजर की सैलरी अकाउंटेंट की सैलरी यानी इवन व्हेन यू आर मेकिंग इनकर्ड दिसोटल कॉस्ट एट जीरो प्रोडक्शन तो जीरो लेवल पे भी व्हाट इज टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यानी इसकी शुरुआत होगी फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से और फिर बराबर बढ़ती रहेगी यह कर्व पैरल चलेगा वेरिएबल कॉस्ट के क्यों क्योंकि टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच का गैप कौन है वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच का डिफरेंस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेके आती है इन अदर वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट लेके आती है इसलिए यह जो डिफरेंस है दैट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट इस से कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ वॉट इज कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेरा सेल्स रेवेन्यू ये रा वेरिएबल कॉस्ट कर्व यह ब्लू वाला है इन दोनों के बीच का गैप ले लो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे ये कॉन्ट्रीब्यूशन नाउ यू मे थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन कम से ज्यादा कैसे हो रहा है ये तो कॉन्स्टेंट रहता है हा बिल्कुल लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहता है यहां बात हो रही है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन की टोटल सेल्स रेवेन्यू की टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिफरेंस से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा दिस विल बी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सो कॉन्ट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा जैसे जैसे ज्यादा यूनिट बिकेंगी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा अब एक बात आती है कि हम तो ब्रेक इवन आइडेंटिफाई करने गए थे ये कहां इनमें उलझ गए तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट जहां पर सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए यानी सेल्स रेवेन्यू उतना ही हो रहा है जितना टोटल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए चाहिए ज्यादा नहीं हो रहा और कम भी नहीं हो रहा यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हैं दैट्स ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट से ब्रेक इवन क्वांटिटी निकलती है ब्रेक इवन प्राइस निकलती है और अगर हम ब्रेक इवन क्वांटिटी से ज्यादा कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलती है क्या ये चार्ट क्लियर है सबको बोलो 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 यस मैम चलिए जी फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ये भी आ गया बीच में अब ये जो पोर्शन हाईलाइट होके आया है व्हाट इज दिस पोर्शन व्हाट डू यू कॉल दिस ये जो लाइन लाइन के आया है ये वाला ये क्या पोर्शन है ऐसे ही चेक करो सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है ये प्रॉफिट ठीक है सो लॉजिक से चलेंगे भले ही चार्ट सामने दिख रहा हो दिस इज प्रॉफिट ये येलो वाला शेडेड रीजन क्या है लॉस, यहां पे देखो टोटल कॉस्ट का कर्व यानी कि येलो वाली लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर हो गई ग्रीन लाइन है सेल्स रेवेन्यू की लाइन yes. रह गया कॉस्ट ऊपर चली गई दिस इज क्लियरली लॉस ठीक है आ गया लॉस क्लियर एवरी वन यस मैम चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं एक चार्ट तो अभी निपटाया उस चार्ट का नाम था ब्रेक इवन चार्ट एक दूसरा चार्ट और आता है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट यानी ये क्या बताएगा ब्रेक इवन चार्ट बताता था कितनी यूनिट्स पे बिजनेस ब्रेक इवन पे आ जाएगा ये चार्ट बताएगा कितनी यूनिट्स पे क्या प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस यानी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ये बताएगा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इसके नाम से समझो अलग अलग लेवल्स ऑफ वॉल्यूम पे क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अब प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसा दिखता है वो देखते हैं वाई एक्सिस यहां पे थोड़ी सी नेगेटिव में भी जाती है लेकिन एक्स एक्सिस ये सेम ही रहती है एक्स एक्सिस पे फिर से हम यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे और वाई एक्सिस पे फिर से अमाउंट लेंगे यानी कि प्रॉफिट और लॉस दिखाएंगे हम नेगेटिव में यहां क्यों ले जा रहे हैं क्योंकि एक बिजनेस लॉस भी इनकर करता है और इसका चार्ट कुछ ऐसा बनता है ये जो लाइन है ये प्रॉफिट लाइन है दिस लाइन इज प्रॉफिट लाइन और जिन नंबर ऑफ यूनिट्स पे प्रॉफिट और लॉस जीरो हो गया दैट लाइन दैट पॉइंट गिव्स अ ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है ये जो जीरो दिख रहा है ये ओरिजिन की बात नहीं कर रहा है यहां पे बात कर रहा है कि दिस इज लेवल ऑफ़ प्रोडक्शन, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे यहां पे ये लॉस आ रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जीरो इसको ओरिजिन से कंफ्यूज मत करना दिस जीरो यानी जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कंपनी नुकसान पे कैसे आ सकती है कुछ नहीं हो गई है

लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये नो प्रॉफिट नो लॉस का है ये कौन सा नो प्रॉफिट नो नहीं है।, क्योंकि इससे का तो पता चल जाता है लेकिन ना तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चलती है ना टोटल कॉस्ट पता चलती है ना वेरिएबल कॉस्ट पता चलती है ना कॉन्ट्रीब्यूशन पता चलता है मेजरली बिजनेस कॉस्ट कंट्रोल पे बहुत काम करते हैं इस चार्ट से कॉस्ट का पता नहीं चल पाता फायदा या नुकसान का जरूर पता चल जाता है ये वाला चार्ट है इन्वेस्टर को ऊपर ऊपर ही देखना होता है कि ओके हम जब इतने यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे तब जाके हम जीरो पोजिशन पे आएंगे उसके बाद जाके प्रॉफिट अर्न होगा लेकिन बिजनेस के इंटरनल पर्पज के लिए ये चार्ट ज्यादा यूजफुल नहीं होता बिकॉज इट लेट यू नो हाउ मच इज दोटल कॉस्ट हाउ मच इज दिएबल कॉस्ट हाँ फिक्स कॉस्ट इससे पता चल जाती है दिस गैप इज कॉस्ट लेकिन वो तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते आप कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को और वो यहां से पता चलती नहीं है सो दिस इज सम ऑफ द लिमिटेशन लेकिन थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है दूसरा इस चार्ट के अलग अलग नाम भी होते हैं इसको प्रॉफिट ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है इसको कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है यानी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की बजाय बजायब्यूशन वॉल्यूम चार्ट उसके नाम से भी इसको जाना जाता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ये दूसरे नाम यूज किए हुए हो परेशान मत होना ये यही वाला चार्ट है इसके अलावा पूरी बुक में कहीं कोई चार्ट नहीं है सो so ये वाली लाइन जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे वो वाला पॉइंट बीपी होता है दैट्स ब्रेक इवन पॉइंट ओरिजिन अभी भी यहीं पे ही है ये

तो क्या फैक्ट्री okay. का रेंट नहीं भरोगे फैक्ट्री के मालिक को इससे क्या मतलब कि प्रोडक्शन आप बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो उसने आपको फैक्ट्री दे दी नाउ ही रेंट लाइकवाइज आपके परमानेंट स्टाफ की सैलरी वो तो जाएगी ही जाएगी सो दीज आर बेसिकली यूनिट सोल्ड भले ही आप यूनिट्स जीरो सेल आउट करें ये खर्चे तो होंगे ही होंगे इट हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस का चालू होना या बाद में होना ऐसा okay. नहीं है कि चलते बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं होती होती है ठीक है? ओके okay. चलो हां जी चलिए अब एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं एक पोल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाऊंगी क्योंकि पोल रिकॉर्ड नहीं हो पाते सो दैट इज़ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू अपियर आप लोग जवाब कैसे देंगे जूम में किसी ने पोल्स यूज किए हैं yes, है? yes, 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 मेरे स्टूडेंट ने तो किए जो भी लोग नए हैं जो ये लाइन आ रही है उसमें देखो पोल्स आएंगे मैं भी एक पोल लॉन्च करूंगी आप आंसर उसमें देंगे इस क्वेश्चन को मैं दिखाती हूं आपको फुल स्क्रीन पे भी पोल ऑप्ट करना है आपको मैंने पोल ओपन कर दिया अब इस क्वेश्चन को दिखाते हैं कि इसमें आपको करना क्या है दिस इज एन एग्जाम किट क्वेश्चन एग्जाम किट का क्वेश्चन 91 है ये एक इन्होंने आपको चार्ट दिया है वट इज देडेड एरिया ऑन द ब्रेक इवन चार्ट अब रिप्रेजेंट यानी ये जो शेडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पोल में चूज करो इज इट लॉस इज इट फिक्स कॉस्ट इज इट वेरिएबल कॉस्ट सात लोगों ने आंसर भी कर दिया और इज इट प्रॉफिट उन्नीस में से सिर्फ दस लोगों ने अभी जवाब दिया है हरिया प्लीज ओके एट आर येट टू गिव दल्दी जल्दी 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 बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ ऐसे आएगा क्वेश्चन जिसमें हम आपको बताएगा नहीं कि कौन सा कर्व क्या है पहले स्ट्रेट लाइन मार्क करो स्ट्रेट लाइन क्या है फिर जीरो से स्टार्ट होने वाली लाइन क्या है फिर फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होने वाली लाइन क्या है ओनली ट्वेल्व पीपल हैव आंसर्ड इज देर डैट कि बाकियों को पोल यूज करना नहीं आ रहा है मुझे बताओ आई एल हेल्प यू आउट गाइज पोल यूज करना नहीं आ रहा है क्या ये ऐसा नहीं है जो आठ लोग अटके हुए और अटके हुए हैं हाँ ओके वन मोर आंसर चलो ओके समिंग इन द चैट बॉक्स

उसमें देखो एक पोल्स का ऑप्शन है no, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो हां जी एनीवेज सो आई एम एंडिंग दिस कितने लोगों ने तीन लोगों ने अभी भी जवाब नहीं दिया जिसमें से एक कुमकुम -कुम है तो दो लोगों ने नहीं जवाब दिया चलिए जी एक एक करके पहले इस चार्ट को मार्क करते हैं एंड आई विल शेयर द रिजल्ट्स आल्सो ये वेरिएबल कॉस्ट जिसने भी मार्क किया है वो ध्यान से देखना क्या किया है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सा वाला कर्व है दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट जो हर लेवल पे फिक्स रहेगी ये वाला जो कर्व है जो जीरो से ऊपर जा रहा है दिस इज सेल्स रेवेन्यू कर्व और ये वाला कर्व जो फिक्स फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से चालू हो रहा है ये कौन सा कर्व है दिस इज़ टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कर्व अब जरा सीधा सीधा देखते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऊपर है सेल्स रेवेन्यू नीचे है यानी टोटल कॉस्ट इज मोर देन सेल्स रेवेन्यू ये क्या आएगा नुकसान नुकसान आपका कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है इट विल ब्रिंग यू लॉस नुकसान होगा इससे बिजनेस को राइट right? लॉस जिसने भी वेरिएबल कॉस्ट मार्क किया था गॉट द रीजन क्यों वेरिएबल कॉस्ट आंसर नहीं होगा <laughs> मतलब वो बोलने वाला बोलेगा नहीं हां जी मैम ये पीछे ये टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में ये जो गैप है ये वेरिएबल होगा ना एक मिनट रुको ये तो है टोटल कॉस्ट कर्व ये है सेल्स रेवेन्यू ये है फिक्स कॉस्ट इनके बीच का डिफरेंस वेरिएबल होगा ना ये हाँ हाँ दिस इज वेरिएबल कॉस्ट दिस इज वेरिएबल कॉस्ट ये गैप इज वेरिएबल कॉस्ट गोट ठीक है गॉट इट राखी यस मैम चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए भी आपको आंसर पोल पे देना है आई इल ओपन दैट पोल इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन योर केस चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के दो दिस इज क्वेश्चन नंबर ऑफ योर एग्जाम किट मार्क आप इसको पोल से करेंगे जिनको भी पोल यूज करना आ रहा है अ कंपनी हैज प्रोड्यूस वॉल्यूम चार्ट फॉर इट्स सोल प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट आ गया इज द टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट बोलो जल्दी 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 चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन कौन सा है शाबाश स्पीड में लग गए अब तो सब जल्दी जल्दी अगर किसी ने कुछ गलत मार्क कर दिया है तो चैट बॉक्स में उसका करेक्शन डाल दो राखी बट वाई आर यू नॉट यूजिंग दी पोल मैम वो गलत मार्क कर दिया अच्छा ठीक है वेरी गुड सिमरन वेरी गुड गलत मार्क किया सिमरन हाँ जी अच्छा तो ये तीन लोगों ने गलत मार्क किया है जो भी लोग मार्क नहीं कर पा रहे हो सी पोल से दो पर्पज सॉल्व होंगे एक तुम क्लास में बोर नहीं हो गए और दूसरा तुम्हें थोड़े से टाइम मैनेजमेंट की आदत पड़ेगी हम एक दो नंबर के क्वेश्चन पे पांच मिनट नहीं लगा सकते इसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे करनी है थोड़ा सा स्पीड में सोचो स्पीड में आंसर मार्क करो कराऊंगी तो मैं वैसे भी क्लास में ठीक है जी सो so, मेजरली देखो फिफ्टीन लोगों ने फिफ्टीन स्टूडेंट्स ने पोल पूरा दिया एक राखी कह रही है गलत आंसर मार्क किया दूसरा सिमरन इज ही उसने गलत आंसर मार्क किया अभी भी एक जना है जिसने गलत आंसर मार्क किया हुआ है रेस्ट ट्वेल्व है ये कैसे आंसर 2000 आ रहा है इस कर्व को समझो यहां ओरिजिन है यहां जीरो यूनिट्स हम बेच रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स देखो जीरो बेच रहे हैं हम जीरो यूनिट्स पे ये कॉस्ट कैसे आ सकती है ये कॉस्ट कैसे आ सकती है व्हेन जीरो यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड बिकॉज इट इज कॉस्ट Variable cost बढ़ती है number of units produced के हिसाब से। लेकिन zero production पे, zero sale पे अगर कोई पॉइंट है, है, है जहां पे प्रॉफिट या लॉस जीरो होगा ये फिक्स कॉस्ट नहीं है दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट दैट मीन टेन थाउजेंड यूनिट इज ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है ये वाला जो पोर्शन है ये लॉस को दिखाता है ये वाला पूरा पोर्शन प्रॉफिट का है क्लियर आंसर इज बी बोलो सबको समझ आया क्लियर हाँ। हाँ। चलो अब आते हैं मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस पे तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिंगल प्रोडक्ट की जहां पे बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बना रहा था लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी ऐसे थोड़ी चलती है एक कंपनी जब एक प्रोडक्ट बनाती है धीरे धीरे एक्सपेंड करती है और फिर मल्टी प्रोडक्ट्स में आ जाती है जैसे कोई एग्जाम्पल दो नेस्ले मैगी चॉकलेट्स ये सारे नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों का कोई पाउडर भी आता है ये सारे प्रोडक्ट्स मल्टी प्रोडक्ट एफएमसीजी सेक्टर का पार्ट है फॉर नेस्ले कंज्यूमेबल्स बनाती है ये फूड एंड कंज्यूमेबल्स अब ऐसी कंपनी के लिए करना बड़ा आ रहा था मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो भी निकाल पा रही थी ब्रेक इवन भी कर पा रही थी लेकिन यहां तो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे सबका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो अलग अलग होगा अब ऐसे में एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करूं सबका एवरेज कर देती हूं नहीं एवरेज नहीं करना उसका वेटेड एवरेज करना है वेटेड एवरेज मतलब लेट सपोज हम यहाँ पे दो कमोडिटीज लेते हैं नेस्ले की बात करती हूँ वन इज नेस्ले की मैगी दूसरा इज नेस्ले की एक चॉकलेट या नेस कैफे मैगी एक बिकती है वर्सेस कॉफी डबल बिकती है तो इनका सेल का रेशियो क्या हुआ वन इजू टू यानी कॉन्ट्रीब्यूशन की कमाई कैसे होगी जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैगी से आएगा वो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन नेस्ट कैफे से था वो डबल लेंगे हम क्योंकि डबल यूनिट बिकती है जहां पे मैगी एक ही बिकती है इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज जब हम उस पर वेट्स असाइन करते हैं और वेट्स क्या होते हैं कितनी यूनिट्स बिक रही है उसके बेसिस पे वेटेड एवरेज लेंगे अब वेटेड एवरेज के बेसिस पे आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे यानी सेल्स सेल्स की बजाय टोटल टोटल ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सिंपल अब ऐसे में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा पहली बात फिक्स कॉस्ट तो बिजनेस की टोटल ही होगी फिक्स कॉस्ट टोटल ले लो डिवाइड बाय ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो हम यूज किया करते थे यहां पे वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो लो अभी जो ऊपर निकाला लाइकवाइज सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ये क्या था इसमें भी आप फिक्स कॉस्ट और रिक्वायर्ड प्रॉफिट तो ऐसा कैसा ले लो डिवाइड किससे करो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से नहीं वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से यानी सेम फॉर्मूला है जो सिंगल प्रोडक्ट में हुआ करते थे सिर्फ एक चेंज आ गया वेटेड एवरेज लग जाएगा हर चीज के आगे कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज फिक्स कॉस्ट मत लेना क्योंकि कॉस्ट बिजनेस की टोटल होगी रिक्वायर्ड प्रॉफिट वो भी टोटल होगा लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग आएगा सेल्स रेवेन्यू अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग आएगा इसलिए इनका वेटेड एवरेज करना जरूरी है अब मैं वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज बोल रही हूं ये करते कैसे है इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं ये आपके कैप्लिन के स्टडी टेक्स्ट का एक इलस्ट्रेशन है ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस के पास मिलेगा आपको कंपनी ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अमाउंट टू टू लाख डॉलर्स एवरी ईयर सो फिक्स कॉस्ट तो टोटल बिजनेस की होती है इन्होंने बता दी कि टू लाख डॉलर है हर साल की फिक्स कॉस्ट एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन लिख लेती हूं

Mm-hmm. फॉर्मुला फोटो दिख रही है यस मैम। लो डिस्क डिस्क स्पेस। स्पेस ओके। भी भर गई। चलिए जी, इनको यूज करते हैं और यहाँ पे सारी चीजें निकालते हैं आई मीन वी वोट कैलकुलेट समथिंग विच इज आज ओनली हम सब कुछ ही कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक करके कैलकुलेट करते जाओ चलिए जी दोनों प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए दोनों प्रोडक्ट्स की डिटेल हमारे पास है क्या हम टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं कर सकते हैं कैसे निकलेगा प्रोडक्ट एक्स लो प्रोडक्ट वाई लो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है ट्वेंटी और फिफ्टीन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट फिफ्टीन इंटू टेन थाउजेंड यूनिट और लाख फिफ्टी था और फोर लैख ये तो आ गया इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा यहां तक टोटल तक टोटल कैलकुलेशन किसी को कोई दिक्कत बताइए जी ठीक है आगे बढ़ते हैं टोटल रेवेन्यू पे आते हैं तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा एक्स का रेवेन्यू निकालो सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स टोटल

वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो कैलकुलेट करने की ये कितनी आएगी कर दो जरा कैलकुलेट फाइव फिफ्टी डिवाइड बाई सीब्यूशन अपॉन थर्टी फोर पॉइंट कितना थर्टी फोर पॉइंट थ्री परसेंट ये वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो आया इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कौन सी कितनी यूनिट्स बिक रही है जब वो मल्टीप्लाई करके तो टोटल अमाउंट निकाला जाता है दैट इज टर्म टू बी वेटेड एवरेज ठीक है ब्रेक इवन कैसे निकलेगा आप फिक्स कॉस्ट सीधी सीधी दे रखी है कितनी दी हुई है टू लैक्स सो टू लैक्स डिवाइड बाय पॉइंट थ्री फोर थ्री मैंने परसेंट को हटा के पॉइंट थ्री फोर थ्री कर दिया दिस इज ब्रेक इवन रेवेन्यू ये कितना आने वाला है टू लैक्स डिवाइड बाय पॉइंट थ्री फोर थ्री फाइव एट थ्री जीरो जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट दी सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ थ्री लाख डॉलर्स रिक्वायर्ड प्रॉफिट थ्री लाख डॉलर्स फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करवानी है लाख डॉलर वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो अभी तो निकाला पॉइंट थ्री फोर थ्री निकालो सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट कितना आएगा वन फोर फाइव डबल सेवन टू फाइव वन फोर फाइव डबल सेवन टू सिक्स कर पॉइंट नाइन ठीक है वन फोर फाइव डबल सेवन टू सिक्स गोट एट इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी बताओ ठीक है सो चैतन्यल्सो कन्फर्म्ड चैतन्य पीएम कैसी लग रही है मैम सो पार अच्छी yes. अच्छा पेपर है ये समझ में आता है तो अच्छा पेपर है वरना बाउंस बैक है चलो अब मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट समझते हैं ये बड़ा ना ट्रिकी सा चार्ट है तो इसको देख के बहुत घबराना नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में बनाने को नहीं आता यू जस्ट बनेगा वो एक बार मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो सही लेकिन एग्जाम में बनाने को आएगा नहीं ये इस तरह का चार्ट दिखता है मतलब क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट्स कई बनाती है कंपनी हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग लाइन बनेगी और एक चौथी लाइन इनका एवरेज रूट लेगी अब इसको बनाते कैसे उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं स्टेप वन में हम क्या करते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले तो उनका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकालो उसके बाद में उनकी रैंकिंग करो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो वाला प्रोडक्ट हाईएस्ट रैंक हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस प्रोडक्ट को बनाएंगे स्टेप टू में क्या करो अब एक टेबल बनाओ अब आप कॉम्बिनेशन लो कि सबसे पहले हम हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी वाले प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं उसके बाद में हम नेक्स्ट को बनाएंगे और लास्ट में लीस्ट प्रॉफिटेबल को बनाएंगे इसके लिए हम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से जहां पे हम फिक्स कॉस्ट इनकर करेंगे ये कैसे करेंगे अभी बताऊंगी अब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ करना तुम्हें मैं एक बार दिखाऊंगी इसको पहले करते हैं ठीक है ज्वाइन ऑल कॉर्डिनेट ये पांच स्टेप्स आएंगे ये भी जो है एक बार अभी कराती हूं पहले इस वाले क्वेश्चन का इस चार्ट को ड्रॉ करते हैं फिर इसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे उससे पहले फटाफट पेन पेपर्स पेंसिल सब निकाल लो बिकॉज फॉर ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट नाउ यू विल गिव मी एन आंसर ऑफ फर्स्ट फोर पॉइंट पॉइंट ए बी सी और डी ये आप लोग बताते चलेंगे जल्दी अपने कैलकुलेश के साथ रेडी रहना रेडी स्टार्ट करूस मैम yes, चलो बीजेएस लिमिटेड प्रोड्यूसर्स एंड सेल्सोइ थ्रीड तीनों की सेलिंग प्राइस आपके पास है तीनों की वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास है तीनों की बजटेड सेल्स वॉल्यूम भी आपके पास है कैलकुलेट दी वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैसे निकलता था हम कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स की बजाय टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स करते थे बस यही करते और तो कुछ नहीं करते है ना यस yes, बाबा yes और नो no. तो अब एक काम करूं इसकी एक टेबल पहले से बना ले क्योंकि ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट हम जब बनाएंगे मल्टी प्रोडक्ट के केस में उसके लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी आप लोग इस फॉर्मूले से करना चालू करो मैं नीटली इसकी टेबल बना के दिखाती हूं आप लोगों को एक्सेल पे ताकि आपको उसको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे डोंट वरी एग्जाम में चार्ट बनाना नहीं आएगा इन एनी केस नहीं आएगा सो डोंट वरी ऑन दैट पहले फॉर्मूला लगवा देंगे ठीक है क्वेश्चन भी सामने आ गया चलिए जी सो आई हैव थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड तीनों का कंट्रीब्यूशन हमारे पास है तीनों की सेल्स यूनिट्स हमारे पास है ठीक है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है इलेवन देन फाइव देन थ्री यूनिट्स कितनी आ रही है फिफ्टी थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड टेन वो टेन थाउजेंड है, है। okay, मान चलो तुम्हारी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन यस yes, मैम टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इलेवन इन टू फिफ्टी लाइक वाइज इन दोनों का भी आ जाएगा अच्छा पीएम कितने लोगों का एसीसीए का पहला पेपर है इस दियर एनिवान नो हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं हम सीधा सीधा लगाते हैं इक्वल टू जिस सेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है पहले उसके ऊपर लेके जाओ ऊपर नीचे वाली एरो से लगाओ साइन इनटू का, का जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस कर दो उसके बाद में मैंने इसको कॉपी किया है और कॉपी करके इस फॉर्मूले को यहां पेस्ट कर दिया है तो वो अपने आप उन्हीं का ही उठाएगा जो मैं चाहती हूं क्यों क्योंकि उसने पहले वाले में भी वही उठाए थे ठीक है सो दिस इज वे हाउ यू शुड डू इट इफ यू आर नॉट एडेप्टेड टू एक्सेल चलिए जी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया तो तीनों का टोटल भी लगा लेते हैं टोटल बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हाउ मच विल दैट बी नाइन लैक्स ये यह यहां तक सबका आ गया यस मैम ठीक है ये तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया अब आते हैं टोटल रेवेन्यू पे नंबर ऑफ यूनिट मेरे पास है ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाए तो सेल्स रेवेन्यू भी आ जाएगा क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट अरेंज हो सकती है कहीं से यस मैम गिवन क्वेश्चन में दी हुई है ऊपर ही सिक्सटीन ट्वेंटी टेन तो क्या करो टोटल रेवेन्यू निकाल लो वेरी गुड गाइज मेरे से जल्दी जो भी चल रहे हैं वेरी गुड और ये टोटल रेवेन्यू आ गया ठीक है अब बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप इक्वल टू to करेंगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इन टू हंड्रेड यानी फोर्टी फाइव परसेंट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो आएगा ठीक है कितने लोगों का फोर्टी फाइव परसेंट आया चैतन्य फोर्टी वन क्यों आ रहा है रजत गलत मल्टीप्लाई किया अच्छा हाँ प्रतीक बोलो नो मैम आप पूछ रहे थे ना तो कितने लोगों का आ रहा था मैंने उसने अच्छा, अच्छा अच्छा ओके 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 सो फोर्टी आ गया सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स राशन क्यों लिख दिया मैंने फोर्टी फाइव परसेंट पहले से तो निकले अब आते हैं बी पे कैलकुलेट रेवेन्यू रिक्वायर्ड बोलो ब्रेक इवन कैसे निकालते थे ये लो यहां से तुम्हें ब्रेक इवन भी मिल जाएगा ये विजिबल है ज्यादा छोटा है दो मैम दिख रहा है ठीक है नजर आ रहा है चलो जी ब्रेक इवन सेल्स पे आते हैं ओले वो हटेगा बार-बार इफ आई स्टार्ट राइटिंग पार्ट बी ब्रेक इवन सेल्स में क्या करते थे बीईपी e. में फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो तो यहां पे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कौन सा लेना है जो ऊपर कैलकुलेट किया है यानी कि 45% अब ये 45% जो है मैंने परसेंट लगा दिया वो अपने आप पॉइंट फोर फाइव में चला गया अब क्या करें बस फिक्स पुट करने की देर रह गई फिक्स की वैल्यू डाल दो हाउ मच इज फिक्स कॉस्ट वो तो बिजनेस की कॉमन होगी यानी ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे आया कितने पे आ रहा है डॉलर्स पे One lakh, One. आराम से जीरोज गिनो टेन लाख और वन यस सो दिस इज और वन मिलियन ठीक है जीरोस का थोड़ा सा ध्यान रखना सी पे आते हैं कैलकुलेट दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करोगे देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है बीपी सेल्स माइनस बजटेड सेल्स या फिर बजटेड सेल्स माइनस बीपी सेल्स मतलब पता budgeted, नहीं बजटेड माइनस बजटेड माइनस बजटेड माइनस बीपी डिवाइड बाय बजटेड सेल्स इनटू हंड्रेड याद आया यस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिस इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस बीपी सेल्स डिवाइड बाय ओ यहां कहा चला गया डिवाइड बाय बजटेड सेल्स इनटू हंड्रेड ऐसे कैलकुलेट करते हैं अब वैल्यूज पुट करते चलते हैं सो बजटेड सेल्स कितनी है ये निकाली ना ऊपर टोटल सेम सेम तो टोटल ले लो बजटेड सेल्स कितनी आ रही है ट्वेंटी लाख इसमें से माइनस करो बीपी वट इज दैट बीपी अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं यहां पे लगाते माइनस बीपी कितना आ रहा था बीपी इज दिस वैल्यू मिलियन डिवाइड बाय वापस से ये आपकी यही वाली सेल कौन से वाली ट्वेंटी लाख वाली और इंटू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी वेनएवर यू आर राइटिंग दिस हमेशा इसमें मेंशन करना आगे साइन क्या है टाइम्स है डेज है इयर्स है रेशियो है परसेंट है परसेंट आप आगे ऐसे लगा देंगे ठीक है बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में किसी को कोई दिक्कत यस वेरी गुड भव्या वेरी गुड दिशान्त ठीक है डन 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 यहां तक यस यस मैम पार्ट डी पे आते हैं अब पार्ट डी क्या कहता है पार्ट डी बोलता है कैलकुलेट द रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 9 लाख डॉलर्स यानी अब आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करानी है आपको एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट भी चाहिए दैट इज नाइन लाख डॉलर्स तो क्या करूं इसमें नाइन लाख डॉलर्स प्लस फिक्स कॉस्ट फोर लैख लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाय जीरो पॉइंट फोर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो वो कितना आ रहा है जीरो पॉइंट फोर फाइव ये सब आप सेल को लिंक करके डालेंगे मैंने भी सेल्स इसलिए लिंक नहीं किए ताकि आपको फॉर्मूला खुला हुआ दिखे ठीक है यस सो लेट्स जस्ट नाउ इट ये आ रहा है थर्टी लैक्स ठीक है थर्टी लैक्स की सेल्स चाहिए थर्टी लाख डॉलर्स की जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और प्रॉफिट भी आ जाएगा नाइन लाख का डन क्लियर होता है सबको थर्टी लाख डॉलर्स का रेवेन्यू चाहिए ठीक है जी नहीं चैतन्य क्वेश्चन भी आता है अभी कराऊंगी वो भी कराऊंगी ठीक है अच्छा अब डी नाउ ड्रॉ अ मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बजट इज अचीव अब पहली चीज एग्जाम में ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा लेकिन मैं क्यों बता रही हूं मैं क्यों सिखा रही हूँ भले ही बनाना ना आए आपको वो समझ में आना चाहिए. क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा बना बनाए आपको दे देगा और फिर बोलेगा हाँ जी इसको इंटरप्रेट करो अब इसमें यह आइटम क्या है वो आइटम क्या है वो आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको ये ड्रॉ करना नहीं आएगा तो अब स्टेप्स पे चलते मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिखाए थे वो वाले स्टेप्स एक बार वापस से स्क्रीन पे लेके आती हूँ एंड देन वी कैन जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग दिस स्टेप्स सामने आ गए ठीक yes. है बस सीधा सीधा इन स्टेप्स में हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे चलो पहली बात रैंक प्रो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो यानी कि मुझे एक्स वाई जेड तीनों का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा फिर इनकी रैंकिंग करनी पड़ेगी तो करते पार्ट ई e को यहां पे नीटली चालू करती हूं पार्ट ई e, मतलब वो भी ये यूरोज में ही लेके जाएगा ठीक है आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं यहां पे? एक्स वाई जेड इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन भी चाहिएगा और सेल प्राइस भी चाहिएगी ये तो रहा इसका तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों रहा है भाई इलेवन फाइव और थ्री दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन देन आई नीड सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी थी इसकी सिक्सटीन ट्वेंटी टेन ये दिख रही है सिक्सटीन ट्वेंटी टेन अब निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो ये क्या निकल के आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड येस और नो अब इसको आप कॉपी करो दोनों को यहां पुट कर दो यहां तक सबको समझ आया जो स्टेप्स में लिखा हुआ है बस मैंने वही किया है अभी कुछ भी दिमाग से नहीं लगाया तुम्हें समझाऊंगी ये क्या है पहले एक बार स्टेप समझ लो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है उसके बाद में प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे उनको रैंक करना है अब इसका लॉजिक समझो जब एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है उसको कैसे पता कि किस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना चाहिए और किस प्रोडक्ट को कम बनाना चाहिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे यानी कंपनी ये एनालाइज करती है कि तीनों प्रोडक्ट्स में से सेलिंग प्राइस पे कॉन्ट्रीब्यूशन का शेयर सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट से आ रहा है दैट ज वॉट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो टेल्स यू इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है यानी ये प्रायोरिटी सेट की जाती है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा हो तो रैंक दे देते हैं हम दैंक किस को दोगे जिसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो हो नेक्स्ट रैंक Z को लास्ट प्रायोरिटी पे किसको बनाओगे Y को क्या तीनों की रैंक समझ में आती है yes, सबको कुमकुम सिमरन रजत okay. ठीक है yes, तीनों की रैंक आ गई अब रैंक के बाद में इन्होंने क्या बोला स्टेप टू में क्रिएट अ टेबल सी ये बुक का नहीं है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है आप लोगों को समझ में आने वाली लैंग्वेज में तो इसको जाके बुक में ढूंढना नहीं कि ये कहाँ पे है

तो जीरो लेवल पे यानी हम कुछ भी नहीं बनाएंगे वी डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग सो नथिंग इज प्रोड्यूस्ड नो कॉम्बिनेशन यहां पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहने वाली है नेगेटिव रहेगी यानी हम फिक्स कॉस्ट इनकर करेंगे अब ये फिक्स कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन पे आते हैं हाउमच कॉस्ट फोर लेख फिफ्टी था फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी की फिक्स कॉस्ट है चलिए जी तो फोर फिफ्टी इनकर करो यानी क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और लॉस कितना माइनस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड जब आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो क्या फायदे में रहेंगे जी नहीं आप फिक्स कॉस्ट तो इनकर करेंगे ही करेंगे अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको बनाएंगे एक्स को एक्स को बनाएंगे तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएंगे क्यूमुलेटिव बनाओ एक्स को आते हैं क्वेश्चन की तरफ एक्स का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है ये रहा। है? दिख रहा है 550। ये देखो ये हमने यहां पे टेबल बनाई थी इसी टेबल को यहां उतार लेती हूं एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन है 550 का अब क्या हुआ हम नथिंग से आगे बढ़ गए हम क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव मतलब पुराने अरेंजमेंट प्लस नए अरेंजमेंट का क्या चेंज होगा तो जैसे ही हम कुछ नहीं बना रहे थे हम 450 की फिक्स कॉस्ट इनकर करेंगे लेकिन अब हम जब एक्स बनाने लग जाएंगे वो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देगा फाइव का जिसमें से हम इस फोर को रिकवर कर लेंगे तो नेट कंपनी का प्रॉफिट कितना बचेगा लाख का बात समझ आई हम कैसे फेज बाय फेज जा रहे हैं इज इट क्लियर टू एवरी वन किया हम कुछ नहीं बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे तो फोर फिफ्टी का लॉस इनकर करेंगे अब नेक्स्ट बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाओ वो क्या आता है एक्स आता है एक्स मुझे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा 550 का ये 550 फिफ्टी काम लूंगी इस 450 की कॉस्ट को रिकवर करने में यानी अब कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है वन लैख अब मैं क्या करूंगी अब मैं बनाऊंगी Z ये Z मुझे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा three lakhs का अब स्टैटिस्टिक्स कंपनी के क्या होंगे वन लैख का प्रॉफिट तो बचा दिया X ने प्लस थ्री लैक्स का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के ला दिया Z ने तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट अब कितना हो गया फोर लैख डॉलर्स बोलो ये पॉइंट समझ आया यस मैम ठीक है अब तीसरा प्रोडक्ट कौन सा बनाए वाई Why कितनी कमाई करके देगा Why देगा फिफ्टी थाउजेंड वैसे भी दिख रहा है सबसे लीज प्रॉफिटेबल फिफ्टी थाउजेंड वाई ला देगा चार लाख X और Z कमा के दे रहे थे इन दोनों को ऐड किया यानी तीनों जब प्रोडक्ट्स इस सीक्वेंस में बनेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट होगा फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का ये बोल रहा था स्टेप टू यहां तक समझ में आता है सब कुछ बोलो यस मैम ठीक है लेकिन ये तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट या लॉस या क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन निकला अबाउट क्यूमुलेटिव रेवेन्यू वो भी निकालते हैं तीनों का अलग अलग रेवेन्यू लिखते हैं फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू तो पहले तीनों का अलग अलग रेवेन्यू लेते हैं ये रहा तीनों का अलग अलग रेवेन्यू हो गया इतना बड़ा क्यों आ रहा है चलो सीधा लिंक करते हैं फिर एक्स का रेवेन्यू मेरी एक्सेल क्यों रही है एट लैक्स जेड का रेवेन्यू टेन लैक्स और वाई का रेवेन्यू टू लैक्स ठीक है मैंने सिर्फ रेवेन्यू उतार लिया अब क्यूमलेटिव रेवेन्यू पे आते हैं जब हम कुछ भी नहीं बनाएंगे तो रेवेन्यू तो जीरो होगा लेकिन जब हम एक्स बनाएंगे तो रेवेन्यू कितना आएगा एट लैक्स अब जब हम जेड भी बनाएंगे तो रेवेन्यू कितना आएगा एट प्लस टेन अब हम जब वाई भी बनाएंगे तो टोटल रेवेन्यू कितना कमाएगा बिजनेस ट्वेंटी लैक्स का ठीक है ये स्टेप टू यहां पे आके कंप्लीट होता है अब हम आते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे आप क्यूमु रेवेन्यू को एक्स एक्सिस पे लो और वाई एक्सिस पे पेटिव प्रॉफिट को लो यानी सेल्स को एक्स एक्सिस पे लो और प्रॉफिट के नंबर को वाई एक्सिस पे लो इसके लिए मैं आपको स्टडी टेक्स्ट खोल के दिखाती हूं स्टडी टेक्स्ट में ये चार्ट कैसा बना हुआ है हम वहीं से समझेंगे बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस इन हिंदी एग्जाम सो बुक दिखाती हूं बुक में देखना किसी के पास बुक है तो वो खुद भी खोल सकता है क्योंकि बुक में इसका चार्ट इन्वर्टेड है मतलब टेढ़ा बना हुआ है तुम्हें ऐसे करके देखना है मैम पीएम इतनी मुश्किल नहीं लग रही अरे पढ़ाने वाले का जादू है ये वो तो मैम जानते हैं <laughs> पीएम बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको समझ में आती है तो नाम, के नाम से तो पता नहीं क्या ही बाहर है मैंने कहाज एग्जैक्टली <laughs> exactly. <laughs> नहीं, नहीं पर वाकई नहीं है इतना टफ जितना लोग बोलते हैं थ्री डी तो चार्ट लग रहा है पूरा नहीं नहीं पर अपने को बनाना नहीं है ना मैं तुम्हें वैसे ही समझाती जाती हूँ चार्ट आया सामने यस मैम विजिबल है ठीक है जी अब इसके ऊपर आते हैं इन्होंने क्या बोला कि क्यूमुलेटिव रेवेन्यू को ले लो एक्स एक्सिस पे ये देखो जरा ये रेवेन्यू दिख रहा है एक्स एक्सिस पे और क्यूमुलेटिव प्रॉफिट को ये देखो प्रॉफिट या लॉस ले लो वाई एक्सिस पे राइट विजिबल टू एवरी वन यस मैम राइट अब क्या करना है अब इसकी प्लॉटिंग चालू करो कैसे प्लॉटिंग चालू करें सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को प्लॉट करो मैंने लिखा है स्टेप फोर में प्लॉट फिक्स कितनी थी हमारी फोर लाख प्रोडक्शन पे फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड को प्लॉट कर दो कैसे प्लॉट होगी देखते जाओ यूनिट्स कहां पे एक्सिस पे जीरो यूनिट्स पे फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड सबसे पहले प्लॉट होगा दिस इज फिक्स कॉस्ट येस और नो बस ये सबसे पहले ये वाले दोनों मेंशन किए यानी इस वाले में भी ये अब आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट था उसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमने कौन सा बनाया था हमने बनाया था एक्स फिर बनाया था हमने जेड लास्ट में प्रॉफिटेबल हमने बनाया था वाई यानी अब हम प्लॉटिंग करेंगे एक्स की कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट्स उठाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स कहां से लेके आऊं मुझे कॉर्डिनेट्स चाहिए क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का नंबर और क्यूमुलेटिव रेवेन्यू का नंबर ये तो कैलकुलेट करके आए हैं अभी हम चेक कर लेते हैं हाउ मच आर क्यूमुलेटिव ये रहा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और ये र्यूमुलेटिव रेवेन्यू इसको उतार लूं यहीं पर प्रॉफिट और रेवेन्यू एक्स का क्यूमलेटिव प्रॉफिट है वन लाख, क्यूम्यूलेटिव रेवेन्यू है एट लाख। Z का क्यूम्यूलेटिव प्रॉफिट है फोर लैक्स ये फोर फिफ्टी आएगा Y का इधर आ जाएगा एटीन लैक्स और इधर आ जाएगा ट्वेंटी लैक्स ठीक है चलो अब वी आर डन टू ड्रॉ दिस अब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे वन लाख प्रॉफिट पे लो एट लैक्स रेवेन्यू पे लो प्रॉफिट वन लैक्स रेवेन्यू हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहां एट हंड्रेड आएगा थाउजेंड में चल रही है सेल्स यानी सेल्स रेवेन्यू एट लैक्स का ये वाला पॉइंट प्रॉफिट वन लैक्स का ये वाला पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां आएगा ये यह किसके कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट किए प्रोडक्ट एक्स के यहां तक समझ आया यस मैम सबको बोलो यस yes. सिमरन yes, पक्का हाँ जी ऑल क्लियर या क्लियर ऑल ऑल मतलब सब कुछ गायब नहीं क्लियर है नेक्स्ट अब Z बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स Z के अब क्यूमलेटिव ही है तो हम अब आगे से शुरुआत करेंगे प्रॉफिट चाहिए फोर लैक्स का प्रॉफिट फोर लैक्स ये लो यूनिट्स कितनी चाहिए एटीन लैक्स की मिलियन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन हंड्रेड यहां आएगा फोर हंड्रेड ये एटीन हंड्रेड ये क्या ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया प्रोडक्ट जेड का यस और नो यस मैम ठीक है ऐसे ही हम प्लॉट करेंगे वाई को 450 का प्रॉफिट लो यानी समवेयर इन बिटवीन और 20 लैक्स का लो ये लो 2 मिलियन ये समवेयर इन बिटवीन ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं प्रोडक्ट वाई के अब आपको एग्जाम में वो सब कुछ बना बनाया देगा वो पूछेगा क्या वो पूछेगा ये पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट्स का है मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के कॉर्डिनेट्स हैं ये यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कमा के देगा वन लाख का कंपनी एज अ होल का इसके लेवल पे कितना टोटल रेवेन्यू अर्न करेगी कंपनी वाला करेगी यानी का रेवेन्यू अर्न करेगी सो वंस ऑल दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन आप इनकी तीनों के तीनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग कर देंगे फिक्स कॉस्ट से यानी यहां से लेकर पहला कोऑर्डिनेट यहां से लेकर दूसरा और दूसरे से लेकर तीसरा और इसके बाद आप इस तीसरे और फिक्स कॉस्ट को भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे बनता है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन चार्ट अब सवाल आएगा ब्रेक इवन क्या है क्योंकि इस चार्ट में तो लाइन यहां भी टच कर रही है और यहां भी टच कर रही है सो आई विल से दोनों ही ब्रेक इवन है क्वेश्चन आपसे बार बार ये पूछेगा दोनों ब्रेक इवन है तो मैं एनालिसिस कैसे करूं उसके लिए वापस पीपीटी पे चलते हैं वहां इसका मैंने जवाब दिया है क्या जवाब है इसका उस चार्ट पे चलते मैं मतलब जिसके बाद अपवर्ड होएगी मूवमेंट तभी अपवर्ड होएगी आप वैसे भी ज्यादा प्रोडक्शन करते चलेंगे तो रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा ठीक है देखो ये ब्रेक इवन है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगी इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपॉन सेल्स लाइन ये कैसे आई है जब हमने उनकी रैंकिंग किस बेसिस पे करी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो के बेसिस पे लेकिन ये दूसरा वाला ब्रेक इवन कब आएगा जब कंपनी अपने बजट के हिसाब से उनको बेचेगी कौन सा फायदेमंद है कौन सा फायदेमंद नहीं है कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है कंपनी बजट कर लेगी हम इसको इतना बेचेंगे उसको उतना बेचेंगे तीसरे को इतना बेचेंगे यानी ये उसके बजटेड मिक्स के हिसाब से आने वाला ब्रेक इवन पॉइंट होगा लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट वो होगा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सिचुएशन से आएगा और ये मोस्ट प्रॉफिटेबल सिचुएशन हमने क्या की कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो के हिसाब से रैंकिंग की और उसके बाद जाके इनका प्रोडक्शन डिसाइड किया सो so ये पूरे चार्ट में ये जो स्टेप्स है ये आपको एग्जाम से पहले सिर्फ एक बार रीड करने हैं ये बनाने को नहीं आएगा अब सवाल उठता है इसमें इंटरप्रिटेशन कैसी आएगी कैसी आएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे बाद में जाऊंगी चलो ये तो कर ली हमने ऐसा क्वेश्चन आएगा देखो क्वेश्चन को और इसका जवाब दो मुझे कौन से तीन प्रोडक्ट है पहले तो ये बताओ नाम क्या है तीनों प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट वन थ्री प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थ्री ठीक है प्रॉफिट नंबर सही लिया है यूनिट सोल्ड बिल्कुल सही लिया है। क्या मुझे कोई फिक्स कॉस्ट बता सकता है इस केस में थ्री यस मैम थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थ्री लैख डॉलर ठीक है थ्री हंड्रेड और ऊपर थाउजेंड में दिस इज दिक्स कॉस्ट ये वाला पोर्शन इज फिक्स कॉस्ट वेन जीरो यूनिट आर सोल्ड बट कंपनी इज इन लॉस ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा ऐसे हो सकता है कि ये फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहे हैं अब क्वेश्चन ने क्या पूछा विच टू ऑफ स्टेटमेंट अबाउट दो सही है ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो बिना बोले चैट yes, बॉक्स में लिखो इफ दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट चैट बॉक्स में लिखो 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 इफ दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट शाबाश 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 वेरी गुड सी टी सी टी यानी करेक्ट ट्रू बिल्कुल सही दूसरा पॉइंट बी यानी ये वाला पॉइंट। पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इफ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन बजटेड सेल्स मिक्स क्या बोलते हो करेक्ट और इनकरेक्ट? प्रतीक मैम बजटेड सेल्स मिक्स नहीं बढ़ा था करेक्ट है करेक्ट 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 सब लिख रहे हैं करेक्ट 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 राइट ठीक है अब लास्ट तीसरे पे आते हैं वैसे तो आंसर पहले दो में ही मिल गया पर फिर भी चेंजिंग दी प्रोडक्ट मिक्स इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट थ्री वुड इंप्रूव दी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो यानी कि ये कहना ये चाह रहा है अगर हम प्रो, ये प्रोडक्ट थ्री जो है इसको ज्यादा बनाए तो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इंप्रूव होगा यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी क्या बोलते हो पूरा उल्टा, बोला है। उल्टा बोल रहे हैं कैसे ये जो तुम्हारी ये जो लाइन बन रही है ना ये प्रॉफिट के हिसाब से बन रही है प्रोडक्ट थ्री तो प्रॉफिट को नीचे लेके जा रहा है यानी कंपनी का प्रॉफिट जो यहां था वो देखो नीचे गिर गया बिकॉज यू स्टार्टेड मेकिंग प्रोडक्ट थ्री इसको नहीं बनाते तो सिचुएशन अच्छी थी ये क्या बोल रहे हैं ओवरऑल कंट्रीब्यूशन सेल्स होगा? जी नहीं नीचे गिरेगा जहां पे हम इस पॉइंट तक आगे सही जा रहे थे जैसे प्रोडक्ट थ्री बनाना चालू किया ये नीचे आ गया यानी प्रोडक्ट थ्री इज गोइंग टू मेक दी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो सफर इंप्रूव नहीं करेगा डिक्लाइन करेगा लास्ट पॉइंट इफ ऑल दी थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड कंपनी कैन एक्सपेक्ट अ सेल्स रेवेन्यू ऑफ थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ये नंबर थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड कहां से आया तीनों प्रोडक्ट अगर बनाएगी कंपनी तो सेल्स रेवेन्यू आ सकता है थ्री फिफ्टी का यहां पर तो यूनिट सोल्ड है रेवेन्यू तो है ही नहीं यहां पर ये थ्री फिफ्टी डिजायर प्रॉफिट होता तो कंसीडर हाँ बस यही गलती है रेवेन्यू नहीं होगा थ्री फिफ्टी का थ्री फिफ्टी का प्रॉफिट होगा तो एग्जैक्टली exactly. तो ये असल में हमें नंबर पे जाना ही नहीं है उसमें रेवेन्यू की बात करी इस चार्ट में रेवेन्यू होता ही नहीं है प्रॉफिट होता है इस चार्ट से आप रेवेन्यू का पता लगवा ही नहीं सकते इंडिविजुअल रेवेन्यू का ठीक है so, सो यहाँ पे जो भी प्लॉटअप होगा वो प्लॉटअप किस चीज पे होगा प्रॉफिट पे होगा तो so, ये यहाँ थोड़ा सा गलत बोल गए गॉट इट समझे क्लियर हुआ कुछ मैम yes, प्रॉफिट आएगा आएगा का अगर आएगा तो भी वो भी वो इससे दिख नहीं रहा साफ देखने में इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो सिर्फ आपसे इस चार्ट को समझने के लिए बोलेगा ड्रॉ करने को वो नहीं बोलेगा बिकॉज अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में चार्ट्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते ये पहले ड्रॉ करवा लेता था ठीक है जी So, अभी हमने क्या पढ़ा है इसमें मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस में एक तो चीज हमने ये पढ़ी है कि इसके फॉर्मूलाज कैसे चलते हैं ये तीन फॉर्मूलाज हैं तीनों में हम वेटेड एवरेज लगाते हैं बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो हम सिंगल प्रोडक्ट में लेते थे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया क्वाइट इजी फिर हमने ये वाला चार्ट देखा इसके स्टेप्स सिर्फ आप एक बार अच्छे से समझना एग्जाम से पहले ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी वापस देख के जाओगे तो भी ये तुम्हें ब्रश अप हो जाएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा थ्योरी ही बनाने को ये नहीं आएगा आपको वो यही पूछेगा ये वाला पॉइंट क्या बताता है ये वाला पॉइंट क्या बताता है यानी आपको ये चार्ट बस समझ में आना चाहिए यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस ये दोनों बीपीस का ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया और ये वाला एग्जाम किट का किया ये यहां तक मल्टी प्रोडक्ट समझ में आया कुछ मैम yes, yes. बताओ सब लोग बताओ। ठीक है साथ साथ सब समझ सब समझ में आ रहा है नहीं बाद में भी आएगा राखी ऐसी बात नहीं है बच्चों के नंबर आते हैं यार क्लास तो हम जल्दी से खत्म कर देंगे एक क्वेश्चन और कराऊ इसके आगे नहीं नहीं मतलब आधा घंटा और चलाऊंगी बिना ब्रेक के करा दूं जस्ट दो क्वेश्चंस और पेंडिंग बचे हैं देखे 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 देखे। जा हो जाएगा फाइव है ये पोल से आप इसका आंसर करेंगे मैं कराती हूं आगे तुम लोग बढ़ जाना इसमें पोल आ गया एच लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टू प्रोडक्ट जे एंड के एनुअल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेशियो वन इज टू थ्री यानी जे जहां एक बिकता है के बिकते हैं टोटल एनुअल सेल्स आर प्लान टू बी फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर प्रोडक्ट जे हैज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो फोर्टी परसेंट वेर एज प्रोडक्ट के इज इज एनुअल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी बजटेड ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू ब्रेक इवन सेल्स कैसे आता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो याद है Yes, yeah. Fixed कॉस्ट अपॉन contribution अपॉन सेल्स ratio. लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, हम वेटेड एवरेज लेंगे यानी अब एक्सरसाइज सिर्फ वेटेड एवरेज की रह गई निकालो वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज contribution अपॉन सेल्स ratio. ये क्या होता है दिस इज टोटल contribution अपॉन टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन है एक तो है जे एक है के टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हमारे पास सेल्स है फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड की 40%, 90 ले सकते हैं। लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो तो अलग है एक का फोर्टी एक का फिफ्टी है यानी जे का voice, bifurcation. Exactly. Bifurcation तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो अलग अलग है यानी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग आएगा तो पहले तो सेल्स को अलग अलग करो उसी के हिसाब से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे सेल्स सेल्स बोलो sales बोलो दोनों की मैम फोर ट्वेंटी की टोटल सेल है इसको बांट देते हैं किस रेशियो में वन एस टू फोर के रेशियो में यानी फोर ट्वेंटी का वन बाय फोर जे का फोर ट्वेंटी का सॉरी वन एस टू थ्री के रेशियो में थ्री बाय फोर के की सेल ये कितनी आएगी वन फोर्टी वन फोर्टी एंड हाउ मच इज दिस वन फोर्टी गलत आ रहा है अच्छा अच्छा

फोर्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जे का अपने खुद की सेल का फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वरना थोड़ा सा किनारे करके <laughs> वेरी गुड एक जन ने आंसर भी दे दिया इसको चेक करना कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स दिस रेशियो इज फोर्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आई डोंट नो बट आई नो सेल्स कितनी है अगर मैं जे की बात करूं तो सेल्स आ रही है वन जीरो फाइव थाउजेंड की फोर्टी परसेंट ये है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा वन जीरो फाइव थाउजेंड इन टू पॉइंट फोर जीरो अग्रीड निकालो कितना आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ वन डबल नाइन फाइव डबल जीरो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं सी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में टू मार्क्स के आएंगे ज्यादा इधर उधर इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना कोशिश करके इनको रफली करने की आदत डालो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर पे ठीक है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हाउ मच इज द टोटल कंट्रीब्यूशन नाउ

फिक्स कॉस्ट हमारे पास है ही हाउ मच इज द फिक्स्ड कॉस्ट 120 120 डिवाइड बाय 47.5 परसेंट निकाल दो कितना रहा है 252631 वेरी गुड 252632 सो द आंसर इज सी छह लोगों ने आंसर सी मार्क कर दिया शाबाश वेरी गुड ठीक है पर आपको मल्टी प्रोडक्ट वालों को एक बार हाथ से वापस प्रैक्टिस करना रहेगा सो दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर एंड अप्लाई दमूलाज तो ये कंफ्यूजन नहीं हो पोल बंद कर दिया मैंने ओ oh, एर आ गया एंड हो गया ठीक है चलिए जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डेकेड क्वेश्चन नंबर एटी टू अंपनी मेक्स एंड सेल्स प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई शायद ये सेकेंड लास्ट है

y की उससे डबल बनती है और डबल बिकती है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x मेक्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेन डॉलर एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y मेक्स अ अफ फोर डॉलर थाउजेंड उससे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेते हैं एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है टेन डॉलर वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है फोर डॉलर फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है नाइंटी थाउजेंड डॉलर की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट विच मस्ट बी मेड एंड सोल्ड टू मेक अफ फोर्टी फाइव थाउजेंड क्या ये वो वाला फॉर्मूला नहीं बोल रहा थाउजेंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स फिक्स कॉस्ट कितनी है नाइन्टी थाउजेंड डिवाइड बायूशन अपॉन सेल्स रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो पर उससे तो अमाउंट आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दे yes. लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा कैसे ये तो दो प्रोडक्ट्स हैं मैम वो वेटेड, वेटेड 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 एवरेज से तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी ये वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा आप जब एक यूनिट एक्स की बेचते हैं तो कितना रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूशन आता है टेन इंटू उसके बदले में Y का कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कितना रह रहा है वाई डबल यूनिट बेच रहा है यानी बराबर बराबर टाइम में, X के बराबर टाइम में में के कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है क्या ये बात सबको समझ आती है दिस इज वेटेड एवरेज कैसे जब एक शॉट बैठ के एक यूनिट ऑफ एक्स बिकती है वहीं के वहीं दो यूनिट्स ऑफ वाई बिक्री होती है यानी आप टोटल कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं तीन एक यूनिट जो टेन का कॉन्ट्रीब्यूशन ला दे रही है दो यूनिट्स जो चार का कॉन्ट्रीब्यूशन ला दे रही है यानी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है एटीन का ये क्लियर होती है बात यस मैम सो फोर्टी फाइव और नाइनटी वन थर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एटीन निकालो कितने यूनिट्स आएंगी सेवेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड यस मैन यस यस मैन अच्छा अरे एक मिनट मैंने डिवाइड बाय थ्री तो किया ही नहीं यस एटीन टोटल डिवाइड बाय थ्री सॉरी हाउ मच इज दिस सिक्स अब बोलो कितना आएगा और इन्होंने दे हैव गिवन अ रॉन्ग ऑप्शन आल्सो डबल टू फाइव डबल जीरो हाँ सी इस चीज का ध्यान रखना वेटेड एवरेज में क्या करना है कितना राखी मैम डबल टू फाइव डबल जीरो दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एक्स और वाई जहां पे एक यूनिट एक्स की बिकती है वहीं के वहीं वाई की दो यूनिट बिक्री होती है यानी आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाते हैं एक्स तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है टेन डॉलर Y कंट्रीब्यूट करता है एट डॉलर्स लेकिन टोटल यूनिट्स कितनी बिकती है तीन यूनिट्स यानी एटीन का कंट्रीब्यूशन आप तीन यूनिट्स पे कमा रहे हैं तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आया एटीन डिवाइड बाय थ्री दैट गिव्स सिक्स यानी कितने यूनिट्स चाहिए होंगी जो 45,000 का प्रॉफिट अर्न करके देंगी 22,500 आंसर वुड बी बी बोलो ये किसी को समझ में आया नहीं आया दोनों बोलो मैम आ गया बाकी लोग इसके uh, अंदर ना भी 18 को डिवाइडेड बाय थ्री क्यों किया क्योंकि अंकित यहाँ पे क्या हो रहा है जो यूनिट्स है वो एक नहीं बिक्री ये कितना 3. यूनिट से आ रहा है ये कंट्रीब्यूशन क्योंकि फॉर्मूले में तो हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाउ मेनी यूनिट्स आर वी सेलिंग 3 3 का कंट्रीब्यूशन इज बीइंग जनरेटेड बाय 3 यूनिट्स वन यूनिट एक्स की दो यूनिट्स वाई की Okay. यानी यूनिट बेचते हैं तब जाके एटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है टोटल में तो पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया पर यूनिट हम क्यों निकाल रहे क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होता है टोटल नहीं चाहिए होता दैट्स पर यूनिट ठीक है ओके और बताओ क्लियर टू मैम यस मैम चलो मैथ्स भी सिखा दी जाती है आपको चलो अब इजी सा क्वेश्चन है लेकिन समझ में आए तो देखो 84 लास्ट क्वेश्चन है ये पी को मेक्स टू प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एंड दो बनाती है कंपनी बजटेड डिटेल्स ऑफ विच आर सेलिंग प्राइस टेन और एट दे दी कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स यहीं तक देख के कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही Contribution निकालो कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला काम जब भी इंफॉर्मेशन आए कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन सो इन तीनों का टोटल करो ये आ रहा है चेक yes, करना एक बार जरा एंड फाइव पॉइंट फोर यस मैम जीरो पी वन का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 10 माइनस फाइव पॉइंट सिक्स दैट शुड बी फोर पॉइंट फोर यस मैम P2 का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एट माइनस फाइव पॉइंट फोर हाउ मच इज दैटा टू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट सिक्स जीरो आगे पढ़ते हैं फिक्स्ड ओवर रेट जिन्होंने दे दिए वन पॉइंट टू के वन के प्रॉफिट पर यूनिट आ गया थ्री पॉइंट टू वन पॉइंट सिक्स बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर थर्टी एथ नवंबर आर यार ये फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट पे कैसे दे रखी है कुछ गलती नहीं है ये टोटल जाएगा ना मैम हाँ तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड देनी चाहिए थी टोटल फिक्स कॉस्ट देनी चाहिए थी मैं टोटल कैसे निकालू इससे ये तो पर यूनिट से बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ध्यान रखना जब भी आपको फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट मिलेगा वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है बजटेड प्रोडक्शन के बेसिस पे यानी अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो फिक्स कॉस्ट आएगी 1.2 पॉइंट टू इंटू प्लस वन इंटू ट्वेल्व याद है कल ये डिस्कस किया था हमने कभी भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती लेकिन आपको बार बार क्वेश्चन देगा ये देखने के लिए कि आप इस बात को जानते हैं जो भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिखाई जाती है वो बजटेड प्रोडक्शन के लेवल पे दिखाई जाती है यानी उजेंड यूनिट अगर बनाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आएगी वन पॉइंट टू यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी वन पॉइंट टू इन टेन थाउजेंड ऐसे अगर P2 की ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी वन की यानी जो भी टोटल कॉस्ट है उसको शेयर करने वाली कितनी यूनिट्स है 12,500 उसी बेसिस पे इन्होंने वन निकाल दिया गॉट इट तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल किया ये कंपनी की फिक्स कॉस्ट है यस और नो यस मैम ठीक है आगे बढ़ते हैं द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूडेड इन पी वनि पी वन में रिलेट टू अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड कॉस्ट ओनली यानी ये जो वन पॉइंट टू है ये नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है जो जनरल फिक्स कॉस्ट है स्पेसिफिकली पी वन पे नहीं होती हाउएवर एवर पी टू ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेसिफिक फिक्स ओवरहेड्स टोटलिंग 2500, यानी पी टू की जो भी, भी कॉस्ट है अगर पी टू बनाओगे तो ही ये लगेगी वरना नहीं लगेगी यानी पी टू अगर बनाना बंद कर देंगे हम इस फिक्स कॉस्ट को सेव कर लेंगे दैट इज स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से ही लग रही है जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या उसकी वजह से ही लगेगी दैट इज स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट तो अभी मुझे क्या करना है पता नहीं इन्होंने बताया P1 की जो भी फिक्स कॉस्ट है वो जेनरिक है P1 पे खुद पे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लग रही लेकिन P2 के ऊपर 2500 डॉलर्स की फिक्स कॉस्ट है जो P2 पे ही लगती है P2 नहीं बनाओगे तो ये बच जाएगी क्वेश्चन क्या पूछता है टू बी मेड यानी क्वेश्चन ने बोल दिया अगर पी टू ना बनाए तो सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट बचेगी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की प्रॉफिट ऑफ सिक्स थाउजेंड ईच ईर यानी वही सिमिलर क्वेश्चन लेकिन यहां पे बस एक छोटा सा झोल है जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसमें से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अब बच जाएगी क्यों क्योंकि अगर हम सिर्फ P1 बनाएंगे P2 बनाएंगे ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई ये 2500 इनकर करेंगे ही क्यों ये गायब यानी बाकी बची हुई फिक्स कॉस्ट मुझे रिकवर करनी है प्लस 60,000 का प्रॉफिट रिकवर करना है और कंट्रीब्यूशन के लिए भी प्रोडक्ट ए की बचा यानी ये क्वेश्चन देखने में मल्टीपल प्रोडक्ट्स का लग रहा था बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस समझे इसलिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं कभी भी अब वन पॉइंट टू इंटू टेन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी होंगी होंगी ट्वेंटी टू थाउजेंड डॉलर ये सबका आया ये समझ में आया सबको हमने वन पॉइंट टू इंटू यूनिट किया प्लस वन इंटू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड किया ये टोटल फिक्स कॉस्ट थी लेकिन क्वेश्चन ने नीचे एक लाइन दी P1 की कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट नहीं है लेकिन P2 की है स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होती है जो उस प्रोडक्ट की वजह से लगती है आप उस प्रोडक्ट को बनाना बंद करेंगे ये फिक्स कॉस्ट लगनी बंद हो जाएगी और क्वेश्चन ने वही बोल दिया कि P2 बनाना बंद करो यानी P2 अगर नहीं बनेगा तो 2500 की बचत होने लग जाएगी तो फिक्स कॉस्ट गिर जाएगी कितनी गिरेगी 2500 से और अब फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 22000 टू थाउजेंड हाँ पार बोलो मैम इस क्वेश्चन में अगर हमें प्रोडक्ट से लेना ही नहीं है तो प्रोडक्ट टू की कॉस्ट हम ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस की होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट जो आती है ना वो प्रोडक्ट के खुद के ऊपर इनका होने वाली फिक्स कॉस्ट नहीं होती हेड ऑफिस की होती है जैसे अगर एक कंपनी दस अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है लेकिन एक हेड ऑफिस के खर्चे वो किस प्रोडक्ट पे डाले वो सब पे डालेगी ऐसे ही उन्होंने पी वन पे भी डाला पी टू पे भी डाला यानी बाकी सारी कॉस्ट तो ऐसी हैं आप इन प्रोडक्ट्स को बनाओ मत बनाओ ये तो इनकर करेगा ही करेगा बिजनेस लेकिन अगर पी टू आप बनाना बंद कर दोगे तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की बचत होने लग जाएगी और वही हो रहा है ठीक है पार्थ क्लियर दीज आर जेनरल हेड ऑफिस कॉस्ट विच आर अपो यानी असल में प्रोडक्ट्स इनको बियर नहीं करते लेकिन इनके ऊपर डाली जाती है ये ताकि कस्टमर से इसको कहीं से तो रिकवर करोगे वरना हेड ऑफिस के खर्चे कहां से निकलेंगे इसलिए इनको अपोर्शन किया जाता है इसलिए इसका टर्म होता है अपोर्शन करना एक होता है अपोर्शन करना दूसरा होता है इनकर करना इनकर मीनस आप खुद इस खर्चे को यू इनकर्ड दिस खर्चा यानी आपने इस खर्चे को किया है लेकिन अपोर्शन का मतलब आपने किया नहीं है लेकिन आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल बिजनेस का खर्चा है अल्टीमेटली इट विल गो ऑन प्रोडक्ट्स ओनली ठीक है ठीक है जी yes, चलो फिक्स कॉस्ट आ गई फटाफट अब वो यूनिट्स निकाल लेते हैं हमें एक तो फिक्स कॉस्ट ट्वेंटी टू थाउजेंड की रिकवर करानी है प्लस प्रॉफिट रिकवर कराना है सिक्सटी थाउजेंड का किसमें से रिकवर कराना है अब तो पीवन ही बचा है बेचारा अकेला उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलो कितना आएगा फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट फोर जीरो लगा दो जरा इसका हिसाब किताब कितना क्वेश्चन ने पूछा था टू नियरेस्ट यूनिट मेरा आ रहा है वन एट सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स नियरेस्ट यूनिट बोलो आंसर क्या आएगा फोर जीरो ध्यान से सोचो राउंडिंग ऑफ फिर से मैथ्स आ गईन थ्री सिक्स या फिर एटीन सिक्स थ्री सिक्स या फिर एटीन सिक्स थ्री सेवन देखो बहुत होशियारी का क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना कल तुम्हें थोड़ा सा सिग्नल दिया था मैंने इसके लिए तुम्हें दिया था एफएम को दिया था

मैं यूनिट बोल रहे हैं यही जाना चाहिए ओके okay, चलो अब थोड़ी सी कॉमन सेंस पे बात करते हैं एक मिनट रुको ये मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स छोड़ो नए वालों से पूछती हूँ अच्छा a... सौरभ सौरभ yes, रजत प्राची कुमकुम भव्या भावना सान्याज आईफोन इज सेइंग नो पूरी uh, be so ही बनेगी तो कम बना लेंगे ना सान्या प्रॉब्लम क्या है बट पॉइंट थ्री सिक्स है तो वो आधी मतलब उसको एलिन कर देंगे तो पीछे ले जाते हैं ना नहीं नहीं ना, पीछे ले जा उसको... सकते क्योंकि हम लोग, आ, वाले वाले, हम लोग को मतलब उत्ता तो बनाना ही पड़ेगा उत्ता exactly, तो वो यूनिट तो पूरी profit, ही बननी चाहिए exactly. Exactly. Profit का <laughs> अधूरी थी बीच में हम शर्ट बनाएंगे तो शर्ट का ना सिर्फ आधा हिस्सा बना देंगे इधर के हाथ छोड़ देंगे इधर के हाथ छोड़ देंगे कॉलर छोड़ देंगे अब ऐसे ही पहन लो <laughs> देखो हम करना क्या चाह रहे हैं हम ये करना चाह रहे हैं कि कितने यूनिट्स बनाए कि ये दोनों रिकवर हो जाएं। अगर तुम थर्टी सिक्स यूनिट बनाओगे ये रिकवरी कहां जाएगी जी गेटिंग द पॉइंट आपको एक यूनिट ज्यादा ही बनानी पड़ेगी ताकि ये पूरा अमाउंट रिकवर हो सके आपने अगर इतनी सी भी यूनिट छोड़ दी आपका ये 82,000 में से कुछ रह जाएगा रिकवर होना इसलिए यहां पे राउंड ऑफ भी दिमाग लगा के करना है अब जब बच्चे बोलते हैं ना कि हमें पीएम में पास होने की दिक्कत दिखती है वो ऐसी दिखती है एंड देन हैव अ क्वेश्चन यार मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आया था मुझे जीरो क्यों दे दिया यहां जीरो मिलेगा द आंसर वॉज थ्री सेवन इट्स नॉट सिंपल राउंड ऑफ इट्स लॉजिक ऑल्सो कितने यूनिट चाहिए कि आप 82,000 की रिकवरी कर जाओ अरे यूनिट तो खुद ही 0.36 आ रही है उससे कम यूनिट्स अगर बनाओगे इसका मतलब तुमने पूरी रिकवरी करके नहीं दी उसको आगे चल के पूरी बनाने दो ना तो यहाँ पे 0.5 वाले फंडे से राउंड ऑफ नहीं चलेगा आपको एक यूनिट पूरी बनानी होगी सो दैट कंप्लीटली यू आर रिकवरिंग ट्वेंटी प्लस सिक्सटी समझे समझ आई राखी चैतन्य प्रतीक ठीक है जी बट ना वापस कोई बात नहीं चैतन्य लगा देंगे अच्छा क्योंकि कम लगाएंगे योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट हर चीज ज्यादा लगेगी बिल्कुल लगेगी लेकिन अगर आप पूरा नहीं बनाएंगे तो आप इस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे अगर आधी यूनिट भी चाहिए तो आधी यूनिट तो नहीं बन सकती ना कम बनाएंगे तो वो आधी की रिकवरी कौन करेगा बेटर है पूरी एक बनाओ ना थोड़ा सा ज्यादा ही रिकवरी हो जाएगी ठीक है yes, चलो जी ये क्लियर हुआ सबको इज दिस क्वेश्चन क्लियर दिस इज हाउ एग्जाम कम्स एग्जाम में ऐसा आता है और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आप एक बार फोटो खींचो इसको अपने आप ट्राई करना ये इतना सिंपल क्वेश्चन है दोनों के सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हुए फिक्स कॉस्ट दी हुई है

ठीक है सो चैप्टर नंबर फाइव इज ओवर नाउ वी आर थ्रू विद टू ट्रायल क्लासेस बाय दिस टाइम आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पीएम में है क्या ऑल दो रूथिंग बट आई विल से अब जो आएगा दैट विल बी लेस ऑन रटाफिकेशन मोर ऑन लॉजिक्स जैसे अभी हमने ये लॉजिक लगाया कि पॉइंट थ्री सिक्स को पीछे नहीं ले जा सकते आगे लेके जाएंगे वो पीएम की रिक्वायरमेंट है आई विल जस्ट से पेपर हो सकता है ये ट्रिकी हो हो सकता है मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आएगा तो ट्रिकी होगा लेकिन समझ में आएगा पेपर गिवन 65 students, जबकि अच्छे अच्छों के नहीं आ पाते मार्क्स दे स्ट्रगल पासिंग एफ जबकि एफ की पास परसेंटेज बेटर है तो इसका कोई रूटीन नहीं है कि में पास होगे किस में नहीं होगे जो पेपर आपकी ग्रिप पे होगा आप उसमें पास होगे और एंड ऑफ द डे वॉट आई सीज इस पेपर से बच तो सकते नहीं हो एटलीस्ट मार्च में अगर बिजी हो तो कम चैप्टर वाला पोर्शन करो एक ऐसा पोर्शन करो जिसमें इंटेलिजेंस ज्यादा चाहिए हार्ड वर्क कम चाहिए ठीक है आज वाली क्लास भी इट विल बी अपलोडेड टू माई यूट्यूब चैनल इट विल बी देर यू टेक योर टाइम इन डिसाइडिंग बट आई विल से इफ यू हैव टू ज्वाइन ज्वाइन बाय वेन्सडे डोंट वेट टिल फ्राइडे आई टेल यू वाई वी आर नॉट रनिंग विद टीम ऑफ टेन पीपल वी आर जस्ट थ्री हू आर हैंडलिंग एवरी थिंग जिसमें से मैं तो वैसे भी उन दोनों की कुछ मदद नहीं कर रही हूँ वो लास्ट मोमेंट पे जब ग्रुप स्टूडेंट्स एड होते हैं क्लास का लिंक भेजना पीछे की क्लासेस की रिकॉर्डिंग देना नोट्स के एक्सेस देना ये सब फ्राइडे पे आ जाता है जस्ट ट्राई इफ यू हैव मेड अप योर माइंड थ्री डेज मस्ट बी इनफ टू थिंक दैट उसके बाद में करोगे होगा कुछ नहीं हम कर तो देंगे पर फिर वो मिस आउट होने का एक चांस रह जाएगा किसी के पास कोई ऐड होगा कोई ऐड नहीं हो पाएगा किसी के पास लिंक पहुंचेगा और एंड मोमेंट तक आई क्रिसमस सो क्लास नेक्स्ट सैटरडे ट्वेल्व टू टू होगी सो दैट आई कैन फ्री अप योर इवनिंग दो घंटे की क्लास रखेंगे कोई छोटा सा इजी सा टॉपिक ही करेंगे और क्लास का टाइम डिसाइड कर लेंगे कि हमेशा क्लास का टाइम रखना क्या है

और मैम ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी मुझे ना स्टडी करना है तो उन्होंने सर ने बोला कि आपकी लाइव क्लासेस उसमें नहीं होंगी देन फिर हाँ। so उसको ब्लेंडेड क्लासेस से मैं कैसे कवर अप कर सकता हूं राहुल को कॉल कर लो वो तुम्हें समझा देगा ओके ठीक है और बताओ एनीथिंग एनी कंफ्यूजन ऑन द पेपर जो मुझे आंसर करना जरूरी है हम्म या तो मैं बहुत अच्छी ट्रेनर हूं या फिर तुम लोग सब बहुत क्लियर हो भावना चौधरी यस yes, मैम भावना चौधरी तुम वही हो जिसकी स्पेलिंग मैंने ब्रोशर में गलत लिख दी थी नो no, मैम मेरा नाम अभी तक ब्रोशर में कभी आया नहीं है अरे यार हमारे पास भी एक भावना चौधरी है एंड शी कॉल्ड मी कि मैम मेरे सी एच ओ यू नहीं आता ए यू आता है अच्छा ओके चैतन्य भावना वनवारी भी है एक और भावना चौधरी भी है भावना चौधरी पता नहीं मेरे ब्रोशर में है उसने चौधरी के ऊपर बोला था कि मैम ये ए यू का कुछ चक्कर है मैंने कहा पता हाँ, है है वो ओ है क्या कुछ होते हैं और ए यू यहाँ महाराष्ट्र में होते हैं हा, तो हाँ, तो है मे बी मे बी हाँ मैम वो पुणे से है अच्छा ओके ओके सिमरन यू नीड टू गेट इन टच विद राहुल ऑन दिस एवरीथिंग चलिए ओके okay जी सो आई विल जस्ट एंड क्लास यू कैन टेक रेस्ट नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे का टाइम नोट कर लो ट्वेल्व टू टू होगा टू हुईन बट अब के बाद में क्लासेस यूट्यूब पे नहीं आएंगी सो यू हैव टू टेक अ कॉल बट माई सजेशन वुड बी कहीं से भी पढ़ो जस्ट बी मेंटली प्रिपेर्ड कि पीएम समझ के पढ़ना है अगर ऊपर ऊपर तैर के पढ़ोगे ना तो पीएम में क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेसमैन

एक नोट्स वो जो प्रैक्टिकल करते टाइम क्लास में चलेंगे दूसरे नोट्स वो जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे जिनकी थ्योरी वीडियो मैंने आपको कल दिखाई थी ओके okay. सो so, वो स्टडी टेक्स्ट से सब कुछ बना हुआ है लेकिन स्टडी टेक्स्ट अगर आपकी इच्छा हो तो रीड करना वरना okay. मत करना सी एग्जाम किट इज मोर रेलेवेंट ठीक है ओके थैंक यू ठीक है जी चलिए अंकित अच्छा मैम ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो क्या वो वोके एसएससी के ना क्वेश्चन पेपर के अंदर भी सारे मेंशनड होते हैं शायद उसके अंदर दिए होते हैं सारे नहीं होंगे okay. और पीएम में तो वैसे भी दो-तीन ही होंगे ओके okay. ठीक है चलिए जी चलिए जी सो बाय-बाय जस्ट डिसाइड एंड फ्रॉम वेयरएवर यू स्टडी जस्ट प्लीज लीव ऑल योर फियर्स फॉर पीएम ओके ओके मैम ऑल ओके बाय-बाय टेक केयर बाय बाय मैम हैप्पी क्रिसमस पे Thank you, Mom. Bye. You. Bye.